ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మాహమవతు తద్భక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం శాంతి శాంతి. शास्त्र में आप सबका स्वागत है. दूसरे पाद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और प्राणायाम को हमने कल देखा था तथा क्षीयते प्रकाशावरणम. और इसमें उद्घात के बारे में पूछा. फिर ये उद्घात क्या होता है? इसमें लिखा है देश काल संख्या भी परिदृष्टा. पहले हम ये समझते थे, वो भी हो सकता है वैसे, कि देश की दृष्टि से प्राणायाम, काल की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से, कि 5 प्राणायाम, 10 प्राणायाम, 15 प्राणायाम, 20 प्राणायाम, इस तरह से संख्या के आधार पर प्राणायाम जो है वो किए जाएं. जैसे स्वामीदान लिखा है 21 प्राणायाम करें. मनुस्मृति में कहा है 3 प्राणायाम भी रोज कोई विधिवत करे तो उससे उसका बहुत बड़ा निरंतर ज्ञान का विकास होता रहेगा, ऐसे कह दिया. तो संख्या की दृष्टि, संख्या के द्वारा. पर इन्होंने कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत किया है. एतावत भी श्वास प्रश्वास ही प्रथमा उद्घात. इतने श्वास प्रश्वासों के बदले पहला उद्घात. जैसे हम श्वास और प्रश्वास लेते हैं तो हमारे को, हम श्वास रोक करके रखें और उसके बदले हमारे को बहुत सारे श्वास प्रश्वास बच जाएं, ना लेने पड़े. तो जितने श्वास प्रश्वास हमारे बच गए, मतलब इससे कुछ बच जाने से कुछ लाभ होगा, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, पर मैं उसमें नहीं जा रहा. मैं इतनी बात कह रहा हूं कि ये जो एक्सप्लेन यहां पर किया है उद्घात को, इतने श्वास प्रश्वास के द्वारा पहला उद्घात. तद्वत निगृहितस्य, और वो पहले वाला जो है उसको निग्रह करके फिर आगे एतावत भी द्वितीय, वो उससे और अधिक संख्या वाला. इतने सांस लेने और इतनी सांस छोड़ने से प्राणायाम का पहला उद्घात, उसको मृदु रूप दिया, उसको फिर बढ़ाया आगे. उतना निगृहित कर चुकने वाला, तद्वत निगृहितस्य, उतना निग्रह करने वाला, कर चुकने वाला, अधिक संख्या वाला दूसरा उद्घात. इसी प्रकार उससे भी अधिक संख्या वाला तीसरा उद्घात, फिर और अधिक संख्या वाला चौथा उद्घात, फिर और अधिक संख्या वाला पांचवा उद्घात, फिर और अधिक संख्या वाला. माने श्वास की संख्या के आधार पर उसको देख रहे हैं हम. एक बार में जितनी देर में श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उसको मात्रा काल कहते हैं. मात्रा शब्द से उसका व्यवहार करते हैं, उस काल का नाम मात्रा दिया. और मान लीजिए हमारी 12 मात्राएं होती हैं एक श्वास के रोकने में, तो उसको प्रथम उद्घात का. 12 तो हो गई, तद्वत निगृहितस्य, आगे फिर और हमने उसको रोका. मान लीजिए दूसरे उद्घात में हमने 5 और 3 और बढ़ा दी, 15 मात्राओं में हमने उस श्वास को रोका, तो वो दूसरा उद्घात होगा. 18, फिर 3-3 बढ़ाते गए तो उसको तीसरा उद्घात, चौथा उद्घात, पांचवा उद्घात. थोड़ा बढ़ना चाहिए उसमें, उद्घात में हमारी वृद्धि होनी चाहिए. इतने मात्र से उद्घात नहीं होगा कि हम
बारे बारे बार बार रोकते गए और करते चले गए, बारे बारे रोकते गए करते चले गए, बारह मात्राओं के लिए हम बार बार उतने ही समय बारह मात्राओं का समय ही हम रोकते जा रहे हैं, तो उसको उद्घात नाम नहीं दे रहे हैं। उतना रोकने के बाद और बढ़ना चाहिए उसको, तब ये उद्घात नाम दे रहे हैं। उसको मृदु मध्य और तीव्र नाम दे रहे हैं। इतनी संख्या वाला जो उद्घात होगा उसको मृदु कहेंगे और इतनी संख्या वाले को मध्य कहेंगे, इतनी संख्या वाले को तीव्र प्राणायाम कहेंगे। इस प्रकार से उसको संख्या से परीक्षित प्राणायाम बताया जा रहा है। वो तीन प्रकार का जो प्राणायाम है उसके अभ्यस्त होने पर कालव्यापी माने उसको दीर्घ और सूक्ष्म वायु संचार वाला, सूक्ष्म वायु संचार वाला कह दिया, उसको दीर्घ कालव्यापी और सूक्ष्म वायु संचार वाला बता दिया। दीर्घ सूक्ष्म कर्मधारय समास है ये, दीर्घश्चासो सूक्ष्म दीर्घ सूक्ष्म, दीर्घ भी है वो और सूक्ष्म भी है। वही प्राण को दीर्घ बता रहे हैं और उसी को सूक्ष्म भी बता रहे हैं। संख्या परिदृष्ट मात्रा संख्याओं के द्वारा देखा गया, देश परिदृष्ट ऐसे ही काल परिदृष्ट काल के आधार पर देखा गया। तो ये हो गया बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, बाह्य और आभ्यंतर विषय का अतिक्रमण करने वाला। एक बाह्य विषय होता है कि आभ्यंतर विषय होता है, बाह्य विषय जो हम बाहर श्वास को रोकते हैं, आभ्यंतर विषय हम अपने अंदर रोकते हैं। उसका आक्षेपी का मतलब उसका अतिक्रमण करने वाला जो प्राणायाम है उसको बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी कह रहे हैं। और ये चतुर्थ प्राणायाम है। गुरु जी जैसे उद्घात बता रहे थे, ये जैसे छलांग समझ रहे हम थे, ये छलांग ली वैसे लिए और बड़ी छलांग ली। हाँ, उद्घात का अर्थ एक प्रकार से छलांग है, शास्त्र में है भी ऐसा छलांग, छलांग जैसा अर्थ है। कई अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ प्रारंभ है और एक है दच का, जैसे गाड़ी चलती है तो कहीं गड्ढे में दच का लगता है, वो भी उसका एक जो है उद्घात का अर्थ है। और झटका भी होता है, तो हम यहाँ तक पहुँचे, उससे आगे फिर एक छलांग, फिर एक छलांग, फिर एक छलांग, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा जो हम अभ्यास करते हैं इसको यहाँ पर उद्घात कहा है। प्रकाशावरणम को इस तरह भी समझ सकते हैं, व्याकरण की दृष्टि से बता रहा हूँ। प्रकाश आवरणम जो है, आवृयते अनेन इति आवरणम, आवृयते अनेन इति आवरणम, ये करण कारक में लुट प्रत्यय कर दिया और फिर प्रकाश का समास कर दिया। प्रकाशावरणम का अर्थ हो गया प्रकाश को आवृत करने वाली चीज, तथा क्षीयते प्रकाश को आवृत करने वाली जो चीज है वो क्षय को प्राप्त हो जाती है। प्रकाश को रोकने वाली, प्रकाश को आवृत करने वाली क्या चीज है? वो है रजोगुण और तमोगुण से जन्य जो कर्म होते हैं, रजोगुण तमोगुण से युक्त जो हमारे कर्म है, अज्ञान युक्त जो कर्म है, वो प्रकाश और आवरण को रोकने वाले, जो रोकने वाला जो तत्व है वो यहाँ पर प्रकाशावरणम है। वो क्षीण होता जाता है प्राणायाम करने से। इसको फिर एक बार पढ़ते हैं हम। प्राणायामान अभ्यस्तो अस्य योगिना, प्राणायाम का अभ्यास करते हुआ जो योगी है, क्षीयते विवेक ज्ञानावरणीयम कर्म, उसके विवेक ज्ञान का जो रोकने वाला, प्रकाश माने विवेक ज्ञान, उसको रोकने वाला जो कर्म है वो क्षीण होता जाता है। उसके कर्म के संस्कार और उस कर्म संस्कार के साथ जुड़ा हुआ जो अविद्या है वो सारी चीजें आ जाएंगी। कर्म संस्कार, उस कर्म का कारणभूत क्लेश, दोनों ही कर्म शब्द से कहे जाएंगे। कर्म के संस्कार और कर्म के कारणभूत
जो क्लेश है, जो अज्ञान है, वो दोनों ही कर्म सबसे कहे जा रहे हैं। प्रकाश का आवरण करने वाला जो कर्म है वो क्षीण हो जाता है। कर्म अधर्मा तस्य ज्ञान प्रतिबंधकत्वम एव ज्ञान आवरकत्वम एतादृशम कर्म क्षीयते। कर्म एक प्रकार का अधर्म है और ज्ञान का प्रतिबंधकत्व, ज्ञान को रोकना, वो जो हम अज्ञान युक्त कर्म करते हैं वो प्रकाश को, ज्ञान को, विवेक को रोकने वाला होता है। अज्ञान युक्त हमारा कर्म होता है वो आगे जो है अज्ञान को जन्म देता है और प्रकाश को रोकता रहता है। तो प्राणायाम से वो क्षीण होता है, ये कहना चाह रहे हैं। ये तो ऋषियों का विद्या है, उनकी खोज की है। विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक इस पर यदि हम प्रयोग करके देखें तो इस अपने जीवन से प्रमाणित करके देखें तो इसमें कुछ पता चले। हाँ जी, आवरण करता में मैंने ऐसे बताया था, आवरण करने वाला। फिर ये प्रकाश का समास, प्रकाशस्य आवरणम, प्रकाश कर्त्रिक आवरण, ये ऐसे जमेगा नहीं। फिर प्रकाश को फिर कर्म में षष्ठी माननी पड़ेगी, प्रकाश को रोकने वाला, ऐसा अर्थ मानना पड़ेगा। फिर यदि हम जो है आवरण शब्द को यदि कर्ता कारक में मानते हैं तो प्रकाश में फिर षष्ठी माननी पड़ेगी कर्म में। तो प्रकाश कर्म, प्रकाश कर्मक आवरण करने वाला, प्रकाश कर्म है जिसका ऐसा आवरण। तो ये थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, प्रकाश कर्म है जिसका ऐसा आवरण करने वाला, और मैंने अभी किया प्रकाश रोका जा रहा है जिसके द्वारा, अभी मैंने किया प्रकाश रोका जा रहा है जिसके द्वारा, प्रकाश को रोका जा रहा है जिस चीज के द्वारा, वो प्रकाशावरणम। प्रकाश कर्मक आवरण, प्रकाश कर्म है जिसका, प्रकाश कर्म वाला आवरण करने वाला। थोड़ा सा तकलीफ हो रही है इसमें, अर्थ करने में तकलीफ हो रही है कि आवरण को यदि हम कर्ता कारक माने तो आवरण करने वाला ये अर्थ निकलेगा, आवरण करने वाला। हिंदी में तो खैर जोड़ सकते हैं प्रकाश का, ये कर्म में षष्ठी होगी, प्रकाश का आवरण करने वाला। और यदि जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि आवरण को यदि करण कारक में बनाते हैं तो आवरण एक प्रकार की आवृत करने वाली, रोकने वाली एक वो शक्ति है जो कि प्रकाश को रोक रही है। तो प्रकाश है, यहां और जोड़ देंगे बस इतना ही, प्रकाश आवृयते अनेन इति प्रकाशावरणम, प्रकाश आवृत हो रहा है जिसके द्वारा, वो जो अज्ञानमय कर्म है वो प्रकाशावरणम से कहे जा रहे हैं। ये समास तो प्रकाश का आवरण शब्द के ऊपर मेरी बात है कि आवृयते अनेन आवरणम, जिसके द्वारा आवृत किया जाता है वो आवरण है। किसके द्वारा आवृत किया जाता है? रजोगुण या तमोगुण के द्वारा आवृत किया जाता है। किसको आवृत किया जाता है? तो प्रकाश को आवृत किया जाता है। आवृत करना मतलब ढकना, ढकने वाली जो चीज है, ढकने वाली चीज है उसको यहां पर आवरण कहा है। ढकने वाली चीज क्या है? अज्ञानमय कर्म है वो ढकने वाले हैं, जिसके द्वारा ढका जाता है वो ढकने में साधन बन रहे हैं, जिसके द्वारा प्रकाश को ढका जा रहा है वो आवरण करने में साधन बन रहा है। और वो किसको ढक रहे हैं? प्रकाश को ढक रहे हैं। तो मेरे को यही समझ में आया, कल मैं यद्यपि चर्चा की इसकी कि ये कर्ता में है लेकिन ये करण कारक में मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है कि आवरण माने जिसके द्वारा आवरण करते हैं वो क्या चीज है? वो अज्ञान जन्य कर्म है, अज्ञान से पैदा हुए कर्म है जो कि आवरण कर रहे हैं। किसको आवरण कर रहे हैं? प्रकाश को आवरण कर रहे हैं। यत्तद आचक्षते, यहां पर कहा मोह महामोहमयेन इंद्रजालेन। देखो
योग दर्शन में महामोह एक पारिभाषिक संज्ञा है, यह है राग की संज्ञा। पांच संज्ञाएं होती हैं, पांच संज्ञाएं होती हैं, तमो, मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र। ये जो है ये पांच संज्ञाएं होती हैं, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उनकी ये पांच संज्ञाएं हैं। जो तम है वो अविद्या को कहते हैं, मोह अस्मिता क्लेश को कहते हैं, महामोह राग को कहते हैं, तामिस्त्र द्वेष को कहते हैं, अंधतामिस्त्र अभिनिवेश को कहते हैं। तो यहां पर शब्द बोला है, देखिए, महामोह मयेन इंद्रजालेन। ये जो महामोह इंद्रजाल है, मानी राग नामक जो इंद्रजाल है, जादू है, जो जादूगर इंद्रजाल, इसको जादू कहा है। महामोह मयेन इंद्रजालेन प्रकाशशीलम सत्वम आवृत्य। प्रकाशशील जो हमारी बुद्धि तत्व है उसको ढककर, तदेव अकार्य नियुक्ते, वही अकार्य में इसको नियोजित करता है। वही जो महामोह है वो इसको अकार्य में नियुक्त करता है। इसको किसको? इस बुद्धि को। बुद्धि को ढक दिया, फिर उस महामोह ने, इस राग ने, इस बुद्धि को अकार्य में नियोजित कर दिया। तदेव अकार्य नियुक्ते, अकार्य में नियुक्त करता है। कौन? वो महामोह जो अविद्या है, ये राग है। तदस्य प्रकाशावरणम कर्म, तो इस साधक का जो प्रकाश को रोकने वाला जो कर्म है, अज्ञान जन्य जो कर्म है, संसार निबंधनम, संसार का आश्रय लेने वाला, प्राणायाम अभ्यासात, प्राणायाम के अभ्यास से दुर्बलम भवति, ये दुर्बल होता जाता है। प्रतिक्षणम च क्षीयते, और प्रतिक्षण जो है क्षीण होता जाता है, प्रतिक्षण नष्ट होता जाता है। तथा च उक्तम तपोन परम प्राणायामा ततो विशुद्धिर्मलानाम दीप्तिश्च ज्ञानस्य। प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं, उससे मलों की विशुद्धि होती है और ज्ञान की दीप्ति होती जाती है। किंच भवति, और क्या होता है प्राणायाम से? तो बता रहे हैं, धारणासु च योग्यता मनस, हमारे मन की धारणाओं में योग्यता क्षमता बढ़ती जाती है। धारणा एक विशेष शब्द है यहाँ का, योग दर्शन का। धारणा में मन की योग्यता बढ़ती जाती है। धारणा क्या है? देश बंधस चित्तस्य धारणा, अपने चित्त को किसी एक स्थान विशेष में बांधने का नाम धारणा है। धारणा सुच योग्यता मनसा, धारणाओं में मन की क्षमता आती है। प्राणायाम अभ्यासादेव प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राण से इति वचनात्। प्राणायाम के अभ्यास से, पहले पाद का एक सूत्र आया है, धारणा करने में मन की सामर्थ्य आती है। प्रच्छर्दन और विधारण, चित्त को किसी स्थान पर एकाग्र करने में मन की योग्यता आती है। पीछे पाद में ये कहा था कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राण से मनसा स्थिति निबंधनी, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। पिछले पाद का सूत्र देखिए निकाल करके, 34 नंबर सूत्र, पहले पाद का 34 नंबर सूत्र, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। तो उसमें अनुवृत्ति आ रही है, प्रसर्दन विधारणाभ्याम व प्राण से, उसमें अनुवृत्ति आ रही है मनसा स्थिति निबंधनी, मन को स्थिर करने वाली। वहां पर कुछ युक्तियां दी गई हैं, विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वो मन की स्थिति को बांधती है। फिर अगला सूत्र बताया, विशोका व ज्योतिषमती,
मनसा स्थिति निबंधनी, जो ज्योतिषमति जो प्रवृत्ति उत्पन्न होकर के हृदय में ध्यान करते हैं तो वो विशो का ज्योतिषमति प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। कहा विशो का मानी शोक रहित ज्योतिषमति, प्रकाश से परिपूर्ण जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है मनसा स्थिति निबंधनी। फिर अगले सूत्र में प्रसर्दन विधारणाभ्याम व प्राण से मनसा स्थिति निबंधनी। फिर आगे बोले वीतराग विषय व चित्तम मनसा स्थिति निबंधनी, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व मनसा स्थिति निबंधनी। सारे सूत्रों में अनुवृत्ति जा रही है वहां पर, 34 नंबर सूत्र से अगले वाले कई सूत्रों में अनुवृत्ति जा रही है। मनसा स्थिति निबंधनी इस इन दो तीन पदों की अनुवृत्ति जा रही है। पहले पद का 34 नंबर नहीं मिला आपको? विषय, हाँ अच्छा वो पहले वाला है विषयवती। वहां पर ये कहा है कि प्रसर्दन विधारण शब्द से हमारे को चित्त प्रसन्न होता। अच्छा वो प्रसन्नता में है। ये 33 और 34 दो सूत्र चित्त प्रसादन के लिए हैं। 33 नंबर सूत्र में मैत्री करुणा आदि भावनाएं बताई और प्रसर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य से भावना बतलाई कि हमारा चित्त प्रसन्न होता है। प्रसर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य चित्त प्रसादनम की अनुवृत्ति दिखा रहे हैं, चित्त प्रसन्न होता है। व्याकरण की तरह यहां भी अनुवृत्तियां आ रही हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातस् चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसादनम की अनुवृत्ति आ रही है। चित्त प्रसादन, चित्त प्रसन्न हो जाता है। और ये मनसा स्थिति निबंधनी 35 है, इसमें 4-5 सूत्रों में आगे इसकी अनुवृत्ति जा रही है 39 तक 35 से 39 तक 5 सूत्रों में 35, 36, 37, 38, 39 मनसा स्थिति निबंधनी। नहीं बस इतना ही है, छोटी मोटी अनुवृत्तियां हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं। जैसे कि चित्त प्रसादनम पहले वाले सूत्र में है 33 में, तो 34 में भी वो जुड़ गया चित्त प्रसादनम। ऐसे मनसा स्थिति निबंधनी 35 में है, तो अगले वाले 4 सूत्रों में मनसा स्थिति निबंधनी जुड़ता चला गया। प्रसर्दन विधारणाभ्याम व प्राण से धारणा करने में, चित्त को किसी स्थान पर एकाग्रता करने में मन की योग्यता बढ़ती है। प्राणायाम के अभ्यास से ये सिद्धि होती है। प्राणायामों का फलांतर कहा है, एक तो तथा क्षीयते प्रकाशावरणम और दूसरा ये वाला फल बताया है। प्राणायाम मन स्थिरी कुर्वन धारणासु योग्यम करोती, धारणा में योग्यता पैदा करता है मन को स्थिर करता हुआ। प्राणायाम का जो काम है मन को स्थिर करना और उससे धारणा में योग्यता आती है। 44वां सूत्र है, प्रत्याहार का स्वरूप बताता है। और 54वां सूत्र है जो प्रत्याहार का स्वरूप बताता है और 55 नंबर सूत्र में प्रत्याहार का फल बताया है। दो सूत्र बच गए हैं इस पाद के, तो 54 नंबर सूत्र में पढ़ रहा हूं, स्वविषया संप्रयोगे असंप्रयोगे असंयोगे। संप्रयोग का अर्थ संयोग होता है और असंप्रयोग का अर्थ हो जाएगा असन्निकर्ष होने पर, न होने पर। स्वविषया असंप्रयोगे अपने इंद्रियों के विषयों के साथ, स्वविषय इंद्रियों के अपने जो विषय हैं उनके साथ असंप्रयोगे सन्निकर्ष न होने पर, संयोग न होने पर। जैसे आंख रूप के साथ संयोग नहीं हो रही, त्वचा स्पर्श इंद्रिय के साथ, नासिका गंध के साथ, जिह्वा रस के साथ, नासिका गंध के साथ, कर्णेन्द्रिय शब्द के साथ, इंद्रियों के अपने अपने जो विषय हैं असंप्रयोगे उसका इंद्रियों का विषय के साथ सन्निकर्ष न होने पर। चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारा, चित्त के स्वरूप का अनुकरण सा कर लेना ये प्रत्याहार है। ये जो इंद्रियां हैं चित्त के स्वरूप का अनुकार इव भवंती, इंद्रियाणी
इंद्रियाणाम, इंद्रियां जो हैं कैसी स्थिति हो जाती है, चित्त के स्वरूप के समान हो जाती हैं। दो बात कही कि जब इंद्रियों का अपने विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं होता, हमारी जो इंद्रियां हैं विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं होती। दो प्रकार का होगा सन्निकर्ष, ये एक तो जैसे मैं किसी चीज को देख रहा हूं तो मेरी आंख का सन्निकर्ष हो रहा है रूप के साथ, एक मैं स्मृति के द्वारा अपने अंदर अपने चित्त में अपने मन में उसको स्मरण कर रहा हूं, कहीं एकांत में वो चीज देखी हुई मेरे सामने नहीं, फिर मैं उसको स्मरण कर रहा हूं, उस रूप को मैं अपने सामने ला रहा हूं, तो ये भी एक प्रकार का सन्निकर्ष है। स्मृति के द्वारा सन्निकर्ष होता है और दूसरा सन्निकर्ष साक्षात होता है। तो कहते हैं इंद्रियाणाम स्व विषय असन्निकर्षे, अपने विषय के साथ सन्निकर्ष न होने पर, चाहे तो वो साक्षात चाहे स्मृति के द्वारा, ये दोनों तरह से सन्निकर्ष को समाप्त कर देने पर स्व विषय असम प्रयोगे, अपने विषय के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष समाप्त होने पर क्या होगा, इंद्रियां जो है चित्त के स्वरूप के समान हो जाएंगी। चित्त का जो स्वरूप है वही इंद्रियों का स्वरूप हो जाएगा, अर्थात इंद्रियां अपने स्वरूप को खो बैठेंगी। इंद्रियों का अस्तित्व है तो तब तक ये, जब ये इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण कर रही हैं, इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं कर रही हैं तो इनका जो स्वरूप है वो खो जाएगा, वो चित्त का स्वरूप के समान हो जाएंगी, ऐसा बोल रहे हैं गुरुजी। तो दोनों अवस्थाओं में चित्त के स्वरूप के समान लग रही हैं, क्योंकि जब वो विषय के साथ है तो वो वृत्ति चित्त में है तो तब उस जैसी हो रही है, और तब वो वृत्ति का निरोध हो गया तो उस जैसी हो रही। दोनों अवस्थाओं में चित्त के स्वरूप जैसी ही तो लग रही है ये इंद्रियां। हाँ जी। नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूं, जब इंद्रियां विषय के स्वरूप की होती हैं तो विषय के आकार की हैं, चित्त के आकार की थोड़ी होती हैं। जब मैं आपको देख रहा हूं तो इस समय चित्त के आकार की नहीं है, आंख जो है विषय के आकार का धारण कर रखा है। तो इस समय चित्त उस विषय के स्वरूप, चित्त जो है वो इंद्रियों के आकार को धारण कर रहा है और इंद्रियां विषय के आकार को धारण कर रही हैं। और फिर वो पीछे से आ जाओ, बुद्धि जो है वो मन के आकार के साथ जुड़ रहा है, और पीछे जाओ आत्मा बुद्धि के आकार को धारण कर रहा है। विषय ग्रहण काल में आत्मा बुद्धि के अनुसार हो रहा है, बुद्धि अहंकार के अनुसार, अहंकार मन के अनुसार और मन इंद्रियों के अनुसार, पूरी एक चेन बन जाती है। एक लाइन में आ जाती है सारी, आत्मा बुद्धि को ही चित्त कह रहे हैं, अहंकार मन इंद्रियां विषय, फटाफट एक आकार हो जाता है, आत्मा जो है विषय तक पहुंच जाता है। तो अब इस प्रक्रिया में जो इंद्रियां हैं वो विषय के आकार को धारण किया हुआ है, और ऊपर वाली श्रृंखला इंद्रियों तक आ रही है। ऊपर वाली श्रृंखला यदि ये आत्मा इसको बल ना मिले, इनको बल ना मिले तो फिर तो यहां तक आएगा ही नहीं। यदि बुद्धि अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो यहां से आगे उसकी जो क्रिया है, मन को जो उसको जो ताकत मिलती है वो खत्म हो जाती है। तो सूत्र में कहा है इंद्रियाणाम, ये है इंद्रियां, स्व विषय असम प्रयोगे, अपने इंद्रियों के जो विषय हैं, इधर देखिए इंद्रियों के जो ये विषय हैं इसके साथ संप्रयोग ना हो, संनियोग ना हो तो क्या होता है, इंद्रियाणाम चित्त स्वरूपानुकार, जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियां इसको चित्त मान लीजिए, तीनों को इकट्ठा ही, बुद्धि अहंकार मन को आप चित्त मान लीजिए। तो ये जो इंद्रियां हैं
इनके स्वरूप के आकार वाले हो जाते हैं, अर्थात इंद्रियां इनके आकार को धारण कर लेती हैं, इंद्रियां अपने अस्तित्व को खो बैठी हैं, इंद्रियां जो है प्रतिलोम क्रम में चल पड़ी, वापिस चल पड़ी। ये तो बाहर की तरफ जाती हैं तो विषयाकार होती हैं। इंद्रियां जब अपने विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं कर रही, संप्रयोग नहीं हो रहा, इनके साथ संयोग नहीं हो रहा, तो इंद्रियां चित्त के स्वरूप के आकार वाली हो जाती है, ये सूत्र में कहा है। इसी का नाम प्रत्याहार है। लेकिन ये चेष्टा तो पीछे से चल रही है, इंद्रियों ने तो नहीं की है चेष्टा। ये यहाँ पर जो है बुद्धि ढीली पड़ रही है, बुद्धि जो है इसके साथ एकाकार झट से हो जाती है एक सेकंड में जी। और ढीली पड़ गई और चित्त जैसे ही ये इंद्रियों के साथ आई तो इंद्रियां तो आगे फिर उनका विषय मिल गया। जब ये असंप्रयोग हुआ तो ये प्रयास इंद्रियों का थोड़ा ही है, तो पीछे से ही होता आया। पीछे से होता है। हाँ जी, पीछे से ही तो है। तो इसने केवल इंद्रियों का क्यों दिया है? इंद्रियां वो तो प्रत्याहार को समझाना चाह रहे हैं कि प्रत्याहार में क्या करना पड़ेगा, कि वो करने वाला तो यही है ना जी। जी, तो वो ये करेगा कि इंद्रियों को विषयों से हटाएगा जी और अपने स्वरूप के आकार का बनाएगा। बनाने वाला तो यही है बुद्धि, इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने स्वरूप में डालेगा। तो इस तरह से प्रतिप्रसव हो या प्रसव हो, प्रयत्न तो वहीं से होना। हाँ, प्रयत्न वहीं से होना है। प्रसव में इधर जब गति होती है तो वो ढील दे देती है, बस अपने वो हो जाती है, एकदम से प्रमाद में आ जाती है। और जब वो सजग होती है तो उसका प्रयत्न वापस आ जाता है, ब्रेक लग जाता है। फिर मैं आगे पढ़ रहा हूं। स्व विषय संप्रयोगे इसका अर्थ कर रहे हैं, स्व विषय संप्रयोगाभावे। असंप्रयोगा का अर्थ किया संप्रयोगाभावे, सन्निकर्ष अभावे, अपने इंद्रियों के अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर। स्व विषय असंप्रयोगे, इंद्रियों के द्वारा चित्त के स्वरूप के अनुकार इव, अनुकार कहते हैं अनुकरण सा कर लिया जाता है। चित्त स्वरूपानुकार इव भवति, इंद्रियां जो है चित्त के स्वरूप के अनुकार जैसी, अनुकरण जैसा कर लेती हैं। इसलिए इति चित्त निरोधे चित्तवत निरुद्धानि इंद्रियाणि, चित्त के निरोध होने पर चित्त के समान इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। जब ये बुद्धि निरुद्ध होती है तो आगे थोड़ी गति करेगी, तो कहते हैं चित्त निरुद्ध हो गया, अर्थात आगे वो उसने अपने संकल्प को आगे नहीं बढ़ाया कि मैं विषयों को देखना चाहता हूं या विषयों को रस लेना चाहता हूं। तो चित्त के निरोध होने पर चित्तवत, जैसे चित्त निरुद्ध हो गया इंद्रियां भी निरुद्ध होगी, क्योंकि शक्ति तो यहीं से मिल रही है ना। तो चित्त निरोधे निरुद्धानि इंद्रियाणि, चित्त के निरोध होने पर ये इंद्रियां निरुद्ध होगी। न इतर इंद्रिय जयवद उपायांतरम अपेक्षन्ते, अन्य इंद्रिय जय के समान ये कोई और उपाय की अपेक्षा नहीं करती हैं। इंद्रिय न इतर इंद्रिय जयवत, दूसरी इंद्रियों को जीतने के समान उपायांतरम न अपेक्षन्ते, कोई अन्य उपाय की अपेक्षा नहीं करते। यथा मधुकर राजा राजम, मधुकर राज होता है जो रानी मक्खी होती है उसको मधुकर राज कहते हैं। पुल्लिंग शब्द है पर यह है स्त्रीलिंग में, वो जो इसका अर्थ है वो स्त्रीलिंग में है, रानी मक्खी। मधुकर राजम, जैसे रानी मक्खी जो होती है मक्षिका, उत्पतंतम अनुत्पतंती, जैसे वो उड़ जाती है एक बार वहां से, जो उसका छत्ता होता है वहां से उठ खड़ी हुई तो सारी की सारी मक्खियां उसके पीछे हो जाती हैं, वहां से सब की सब मक्खियां उड़ करके उसके पीछे जाने लगती हैं, प्रतीक्षा करती हैं कि ये कहाँ बैठती जा करके। तो जैसे ही वो वहां से उड़ पड़ती है सबके सब उसके पीछे पीछे उड़ने लगते हैं। निविशमान मानो निविशंते, और वो बैठ गई तो वो भी बैठ गई। निविशमानम का मतलब है बैठते हुए, उस मधुमक्खियों के जो राजा है वो बैठने लगा तो वो भी बैठ जाती हैं। तथा इंद्रियाणी,
वैसे ये इंद्रियां जो हैं चित्त निरोधे, चित्त का निरोध होने पर निरुद्धानी, चित्त का निरोध होने पर ये इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। इत्येषः प्रत्याहार, यही प्रत्याहार है, इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं, ये प्रत्याहार बता रहे हैं। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है इंद्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपम आह्यन्ते अनुकृष्यन्ते अस्मिन् इति प्रत्याहार। प्रत्याहार वो ज्ञान है जिसमें इंद्रियों को वापिस खींचा जाता है। इंद्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपम आह्यन्ते इति प्रत्याहार। इंद्रियां विषयों से वापिस, जिस क्रिया में इंद्रियों को वापिस खींचा जाता है, इंद्रियां आगे बढ़ रही हैं, इनको वापिस खींच लेते हैं, तो चित्त के स्वरूप के जैसा हो जाता है इनका स्वरूप इंद्रियों का, इसी का नाम प्रत्याहार है। हाँ, इंद्रियाणि विषयेभ्य प्रतीपम विपरीतम, प्रतीप कहते हैं विपरीत, विपरीत दिशा में वापिस, आह्यन्ते अनुकृष्यन्ते अस्मिन् इति प्रत्याहार। ये बात यहां देखने की है, स्मरण करने की है, प्राणायाम और तीन प्रकार के संयम के बीच में, उधर तो प्राणायाम है, उधर आगे धारणा ध्यान समाधि आ रही है, अगला पाद प्रारंभ हो रहा है धारणा ध्यान समाधि, इनके बीच में साधना की एक महत्वपूर्ण अनिवार्य कड़ी डाल दी। सबसे पहले यम और नियम, उसके बाद आसन और प्राणायाम, यम नियम का एक जोड़ा है, आसन और प्राणायाम का एक जोड़ा है, आगे धारणा ध्यान समाधि, अगली छलांग आ रही है, बीच में एक प्रत्याहार नाम की चीज यहां पर डाल दी। प्राणायाम के कारण चित्त धारणा आदि संयम के योग्य, मतलब स्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है। यदि इंद्रियां बाह्य विषयों की ओर उन्मुख होना आरंभ करें तो फिर विषयों की ओर उनको जोरदार, विषयों की तरफ उनकी बहुत ही योग्य जोरदार योग्यता हो जाएगी। प्राणायाम से हमने अपने मन को एकाग्र किया, चित्त को हमने प्राणायाम के द्वारा एकाग्र किया, धारणा आदि संयम के योग्य बनाया, अचंचल बनाया। ऐसे मौके में यदि इंद्रियां बाहर की तरफ देखने लगें तो पूरी की पूरी चंचल हो उठेंगी, क्योंकि प्राणायाम से जो शक्ति ऊर्जा मिली वो यदि इंद्रियां बाहर की तरफ झुक बैठी तो उसकी शक्ति बहुत ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की अत्यंत आवश्यकता है। यदि प्राणायाम के बाद प्रत्याहार यदि ये साधन ना किया जाए तो इंद्रियां इतनी बलवती हो जाएंगी कि उसके लिए वो ऐसा लगेगा कि ये तो कह रहे थे कि इंद्रियां शांत होती हैं, अज्ञान मिट जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो उल्टा और काम हो गया। यदि प्रत्याहार ना किया जाए तो प्राणायाम तक ही रुक जाएं तो फिर अगला और ज्यादा बिगड़ जाएगा काम। तो इसलिए इंद्रियों को विषयों की ओर से तुरंत हटाकर उनको अंतर्मुखी करना पड़ता है। इंद्रियों की चित्तकारानुकारिता जो है, चित्त के आकार के अनुसार उनका जो आकार बनाना, यही उनका अंतर्मुखीकरण है। इंद्रियों का अंतर्मुख होना या अंतर्मुख करने का मतलब क्या है? इंद्रियों के, चित्त के आकार को धारण कर लें इंद्रियां, विषयों के आकार से मुक्त हो जाएं, यही प्रत्याहार है। तो इससे धारणा निष्पन्न होती है। ध्यान और समाधि का जो पूर्व रूप है उसको धारणा कहते हैं, ध्यान और समाधि का जो प्रारंभिक जो स्तर है उसको धारणा कहते हैं। तो प्रत्याहार को भी एक प्रमुख योगांग के रूप में स्वीकार किया, इसका भी एक अभ्यास किया जाता है, धारणा, ये प्रत्याहार का भी एक ध्यान के रूप में अभ्यास किया जाता है। तो प्रत्याहार को भी एक प्रमुख योगांग के रूप में स्वीकार किया, इसका भी एक अभ्यास किया जाता है, धारणा, ये प्रत्याहार का भी एक ध्यान के रूप में अभ्यास किया जाता है। उसको भी हम अलग से टाइम देते हैं बैठ करके। ये तो व्यवहार काल में अपने मन के ऊपर हम नियंत्रण रखते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन प्रत्याहार भी एक चित्त
एक इंद्रियों को स्थिर करने की एक विधा है ये। उसके लिए शांत चित्त होकर के और विषय मुक्त होकर के बैठे, बस यही इंद्रियों का चित्त के समान आकार धारण करना है। और ये कहेंगे कि यही प्रत्याहार की साधना हो रही है। तो इस तरह से इसको निष्पन्न करना है, इस क्रिया को। तो इंद्रियों की बाह्य विषयाकार कारिता को बंद करके, विषयों को संपर्क हटा करके इंद्रियों को अंतर्मुख करना, यही इसमें मुख्य बात कही गई है। तथा परमावश्यता इंद्रियाणाम, उस प्रत्याहार से हमें क्या मिलता है वो आगे बता रहे हैं। तथा प्रत्याहार से परमावश्यता, इंद्रियों की प्रबल वशवर्तिता आ जाती है। इंद्रियों की जो प्रबल हमारे वश में, जो उसका नियंत्रण है, हमारे वश में इंद्रियों का जो नियंत्रण है वो हमें प्राप्त हो जाता है। आगे लिख रहे हैं, ये परमावश्यता क्या चीज है इंद्रियों की, उसके बारे में व्यासदेव जी महाराज समझा रहे हैं। शब्दादिशु अव्यसनम इंद्रिय जया इति केचित, कुछ लोग इसमें चार विकल्प प्रस्तुत किए हैं, चार आचार्यों के विकल्प प्रस्तुत किए हैं। पहला विकल्प, शब्दादि विषयों में न फंसना, यही इंद्रिय जय है। शब्दादिशु अव्यसनम इंद्रिय जया, अव्यसन का मतलब है उसमें ना फंसना, उसमें फंसावट न होना, ये इंद्रिय जय है। इति केचित, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। शक्तिर व्यसनम, ये जो शक्ति है, आसक्ति है, शक्ति का मतलब आसक्ति। किसी ने कहा कि ये आसक्ति ऐसी होती है, आसक्ति है, ये जा नहीं सकती, आसक्ति है ये जा नहीं सकती, जाने का नाम नहीं लेती है ये, आ तो सकती है, बड़ा मुश्किल है फिर भेजना इसका वापस। तो शक्तिर व्यसनम व्यस्यति एनम श्रेयस, इस साधक को श्रेयस से, कल्याण से ये दूर फेंक देती है। व्यस्यति का अर्थ होता है दूर फेंक देना। ये जो शक्ति है, आसक्ति है, व्यस्यति एनम श्रेयस, कल्याण से, कैवल्य से, अपवर्ग से इस साधक को व्यस्यति, व्यस्यति मानी असुक्षेपण, दूर फेंक देती है, विशेष रूप से दूर फेंक देती है। कौन? आसक्ति। अविरुद्धा प्रतिपत्तिर न्याय्या, तो शास्त्र के अनुकूल विषय भोग करना न्यायोचित है, अतः वो व्यसन नहीं है। इस पंक्ति का अर्थ किया जा रहा है अविरुद्धा प्रतिपत्तिर न्याय्या, जो अविरुद्ध प्रतिपत्ति है वो न्याय से युक्त है। तो उतना शास्त्र के अनुकूल यदि विषय भोग कर रहे हैं, शास्त्र जिन तेन त्यक्तेन भुंजीथा, शास्त्र भी पूरा मना नहीं कर रहा है, त्याग के साथ भोग की बात कर रहा है, तो अविरुद्धा प्रतिपत्तिर न्याय्या, शास्त्र के अनुकूल विषय भोग करना न्यायोचित है, तो वो व्यसन के अंतर्गत नहीं आता है। व्यसन वो आएगा शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करके और अपनी मन मौजी से हम इंद्रियों के पीछे बहते हुए चले जाएं। यदि शास्त्र का पूरा पालन किया जाए, शास्त्र में जिन जो निर्देश दिए हैं उनका पालन किया जाए, तो ये व्यसन के अंतर्गत, आसक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। व्यसन शब्द डाल रहे हैं, व्यसन का मतलब होता है जो फेंकने वाली चीज है उसको, कल्याण से जो हमें दूर हटा देती है, फेंक देती है, उसको व्यसन कहते हैं। विशेष रूप से अस क्षेपने, असुक्षेपने, जो फेंकने के लिए निमित्त बनता है उसको व्यसन कहते हैं। व्यसन और आसक्ति दोनों बिल्कुल एक ही हो गए, क्योंकि ये कह रहे हैं ना शक्तिर व्यसनम, पर्यायवाचक शब्द के रूप में रख रहे हैं। शक्ति क्या है? व्यसन। व्यस्यति एनम श्रेयस है, इसकी निरुक्ति कर रहे हैं, व्यसन की निरुक्ति कर रहे हैं कि ये जो है इस साधक को कल्याण से दूर फेंक देती है। शक्ति व्यसन है, व्यसन क्यों कहलाता है,
इस साधक को दूर फेंक देता है। ये अविरुद्ध प्रतिपत्ति न्याय, इसलिए अविरुद्ध प्रतिपत्ति न्याय युक्त है। अविरुद्ध किससे अविरुद्ध? शास्त्र अविरुद्ध, शास्त्र अनुकूल आचरण, शास्त्र अनुकूल जो भोग हैं वो न्यायोचित हैं, तो वो व्यसन में नहीं गिने जाएंगे। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं शब्दादि संप्रयोगा स्वेच्छया इत्यन्ने, ये इंद्रियों की जो विजय है वो बता रहे हैं कि क्या चीज है ये। पहले बारे में कहा शब्दादिशु अव्यसनम इंद्रिय जया, शब्दादि विषयों में न फंसना ये इंद्रिय जय है। दूसरे लोग बताते हैं कि स्वेच्छा से शब्दादि विषयों का संपर्क करना अपने नियंत्रण पूर्वक। मैं कहीं सुन रहा था एक दिन, किसी का वाणी सुन रहा था, तो उसने कहा कि भाई शराब पियो कोई बात नहीं, लेकिन आप जब उससे हटना चाहें तो तत्काल आप हट जाएं। ये नहीं कि शराब आपको खींच रही है और जबरदस्ती आपको पीना पड़ रहा है। तो ऐसी कुछ बात कह दी इन्होंने कि शब्दादिशु, शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छया, शब्दादि संप्रयोग यदि हम अपनी इच्छा से करते हैं तो ये इंद्रिय जय के अंतर्गत ही है। जितना हमें चाहिए भोजन उतना यदि हम कर रहे हैं तो इंद्रिय जय के अंदर है, जितना हमें सोने के लिए इच्छा है उतना हम सो रहे हैं तो इंद्रिय जय के अंतर्गत है। जब हम कोई भी विषय को एक क्षण के लिए भी हम उसमें, हमारे को वो नहीं खींचता, हम जैसे कोई भी विषय से एक क्षण मात्र में हम वापस हट जाते हैं तो फिर वो तो इंद्रिय जय के अंतर्गत ही आएगा, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छा इत्यन्य, तीसरा विकल्प दे रहे हैं, राग द्वेष अभावे सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जया इति केचित। कुछ लोग ये कहते हैं कि राग द्वेष जब हमारे नहीं रहे, राग का मतलब है प्रीति और द्वेष का मतलब अप्रीति, किसी चीज में जो हमारा राग है बहुत ज्यादा लगाव है और द्वेष का मतलब उससे अलगाव है, तो राग द्वेष के अभाव होने पर सुख दुख से शून्य जो स्थिति है, शब्दादि ज्ञानम, सुख दुख से शून्य जो शब्दादि का ज्ञान करते हैं उसमें सुख अनुभव और दुख अनुभूति से शून्य जो शब्दादि का जो ज्ञान है, मतलब इंद्रियां तो अपना बोध कराएंगी लेकिन उसमें हम राग द्वेष न होने पर, क्योंकि ना तो राग है और ना द्वेष है, सुख दुख रहित जो शब्दादि भोग है उसको इंद्रिय जय कहते हैं। शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जया, शब्दादि का जो ज्ञान, शब्दादि का जो भोग, यहां पर ज्ञान शब्द भोग के लिए आ रहा है, भोग भी एक ज्ञान होता है, भोग में एक ज्ञान होता है, अपवर्ग भी एक ज्ञान होता है, ये बुद्धि के धर्म है, बुद्धि में हमारे को अनुकूल ज्ञान होता है और अपवर्ग में विषयों के त्याग का ज्ञान होता है, विषयों के ग्रहण का ज्ञान भोग के अंतर्गत, विषयों के त्याग का ज्ञान अपवर्ग के अंतर्गत। तो ये कह रहे हैं कि राग द्वेष के अभाव होने पर सुख दुख शून्य शब्दादि का जो भोग है वो इंद्रिय जय है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। चौथा विकल्प जैगीषव्य आचार्य का दिया है, चित्त एकाग्र्यात् अप्रतिपत्ति रेव जैगीषव्यः, चित्त की एकाग्रता होने के कारण, चित्त एकाग्र्यात्, चित्त की एकाग्रता होने के कारण अप्रतिपत्ति रेव, चित्त इतना एकाग्र हो गया कि इंद्रिय के विषय भोग के अभाव ही इंद्रिय जय है। हमारी इंद्रियों के जो विषय हैं वो हमारे चित्त से गायब हो गए, उसका नाम इंद्रिय जय है। चित्त एकाग्रयात, एकाग्र शब्द से एक एकाग्र शब्द बना लिया से प्रत्यय करके, चित्त एकाग्रयात, चित्त की एकाग्रता के कारण अप्रतिपत्ति रेव जाएगी सव्या, जो विषय ज्ञान की अप्रतिपत्ति है इसको इंद्रिय जय कहते हैं। इंद्रिय के विषय का जो अभाव है, अप्रतिपत्ति, उसका जो अभाव है ये इंद्रिय जय है, ऐसा जैगीषव्य कहते हैं। तो
इन्होंने तो ये कहा कि जो चित्त में वृत्ति ही नहीं रही वो प्रत्याहार है। फिर चौथा विकल्प, चौथे विकल्प में ये बतलाया कि चित्त की एकाग्रता होने के कारण अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति का मतलब यहां पर अप्रतिपत्ति शब्द से ये समझना है कि इंद्रिय के विषय का अभाव हो गया। प्रतिपत्ति का मतलब होता है कि विषय का बोध, प्रतिपत्ति विषय का ज्ञान। तो अप्रतिपत्ति विषय का जो अभावात्मक स्थिति है उसको इंद्रियजय कहते हैं। ततश्च परमातुयम वश्यता, आगे कह रहे हैं इसीलिए, ततश्च माने इसीलिए ये इंद्रिय जय जो है वो श्रेष्ठ कहा गया है। परमातु इयम वश्यता, ये जो वश्यता है ये श्रेष्ठ बताई गई है। यह चित्त निरोधे निरुद्धानी इंद्रियाणी, चित्त के निरोध होने पर ये इंद्रियां निरुद्ध हो गई। न इतर इंद्रिय जयवत, इन दूसरी इंद्रियों के जय के लिए, जैसे एक एक इंद्रियों को जीतने के लिए हम प्रयास करते हैं, वैसा प्रयत्न कृतम उपायांतरम न अपेक्षन्ते, प्रयत्न कृत जो उपायांतर है उसकी अपेक्षा नहीं रहती है। पांचों इंद्रियों के लिए अलग अलग प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती है, चित्त के निरोध होने पर वो भी निरुद्ध हो जाती है। मानी चित्त को इंद्रियों को शक्ति देने के लिए बंद कर देना, ऐसा करते ही जो इंद्रियां हैं वो चित्त के आकार का, चित्त के स्वरूप को धारण कर लेती हैं और उनका विषयों से संबंध टूट जाता है। तो न इतर इंद्रिय जयवत, मानी अन्य इंद्रिय जय के समान जो प्रत्याहार संपन्न योगी है, अलग से किया गया जो प्रयत्न जन्य उपाय है उसकी अपेक्षा नहीं रहती है। तो ये चार जो हैं विकल्प बता करके चौथे विकल्प को इन्होंने महत्व दिया है। प्रत्याहाराद इंद्रियाणाम परमो जयो भवति, प्रत्याहार से इंद्रियों का परम जय होता है। वश्यता का अर्थ होता है वशित्व, वशवर्तित्व, हाँ जी। तो देखिए पहला जो विकल्प है, पहले विकल्प में शब्दादिशु अव्यसनम इंद्रिय जय, फिर एक बार दोबारा मैं दोहरा देता हूं। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों विषयों में जो व्यसन का अभाव, फंसाव का न होना, पांचों विषयों में फंसावट का न होना, इसको आसक्ति का न होना, ये इंद्रिय जय है। तो इस अव्यसन पद को इन्होंने और अधिक खोलने के लिए व्यसन शब्द की व्याख्या की है। शक्ति व्यसनम, आसक्ति ही व्यसन है। आसक्ति को व्यसन क्यों कहते हैं इसका भी निर्वचन करके समझाया कि व्यस्यति दूर फेंकता है, दूर कर देता है। एनम मानी एतम प्राणिम जन्म, इस प्राणी को, इस साधक को, इस व्यक्ति को श्रेयसा कल्याण से। तद अभाव अव्यसनम वश्यता, कल्याण या शुभ से इसको अलग फेंक देता है। जो ऐसा नहीं है उसको अव्यसन कहेंगे। शास्त्र से अविरुद्ध, शास्त्र के अनुकूल जो प्रतिपत्ति है, विषय का सेवन है, इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करना है, ये न्याय संगत है। न्याय्या प्रतिपत्ति, ये न्यायोचित बात है। इंद्रिय विषयों में यही अव्यसन है, इंद्रियों पर जय और इंद्रियों की परमावश्यकता है। कि शास्त्र से हम विरोध में जाकर के विषयों का ग्रहण ना करें, मनमोजी ढंग से ना चलें, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसी में दिया है ना, व्यस्यति एनम श्रेयसा, निर्वचन इसी में दिया है। एनम इस प्राणी को व्यस्यति कल्याण से, शुभ से दूर हटा देता है, फेंक देता है। और ये जो है शास्त्र से अविरुद्ध प्रतिपत्ति न्याय संगत है, ऐसे कहकर के उसको दिया परमिशन। दूसरा, फिर मैं एक बार फिर इनको दोहरा रहा हूं, दूसरे को स्वेच्छा से स्वतंत्र होकर, भोग्य के आकर्षण में आकर नहीं,
भोग्य विषय के अधीन होकर नहीं, भोग्येषु स्वतंत्र न भोग्य तंत्र, स्वतंत्र न भोग्य तंत्र, जो ये भोग्य विषय हैं, उनमें ये योगी स्वतंत्र है, भोग्य तंत्र नहीं है, भोग्य वशु के वश विषय के अधीन नहीं है, भोग्य विषय के अधीन नहीं है, स्वाधीन है। तो इसको शब्दानाम विषयाणाम, शब्दादि जो विषय हैं, इनका संपर्क, इनका भोग, ये शब्दादि संप्रयोग है, शब्दादि विषयों का इंद्रियों के साथ जो संयोग है, इंद्रियकृत जो भोग है, ये इंद्रिय जय है, उनके मत में इसी को परमावश्यता कहा है। तीसरे विकल्प में राग द्वेष के अभाव में सुख दुख से शून्य, हर्ष और विषाद से रहित, जो राग द्वेष अभाव में सुख दुख से शून्य, हर्ष और विषाद से रहित होकर शब्द इत्यादि विषयों का जो अनुभव हम करते हैं, शब्दादि ज्ञानम, शब्दादि का जो अनुभव करते हैं, भोग करते हैं, यही इंद्रिय जय, इंद्रियों की परमावश्यकता है, ऐसा कुछ दूसरे लोग कहते हैं। तो इन तीनों पक्षों में इंद्रिय जय का क्रमिक विकास हमें देखने को मिल रहा है। तो भी तीनों पक्ष जो हैं वो इंद्रिय जय की निम्न स्थिति को प्रकट कर रहे हैं, ऐसा ये समझाना चाहते हैं। पहले पक्ष में इंद्रिय विषय भोग होता तो पर्याप्त है, परंतु प्राणी उन विषयों में आसक्त नहीं होता। पहले वाले जो विकल्प था उसमें ये बताया कि हम आसक्त ना हो इंद्रिय विषयों में, इंद्रिय विषय भोग होता भी रहे किंतु उसमें आसक्त ना हो। दूसरे पक्ष में उससे कुछ ऊंची स्थिति बताई कि भोग करने वाला अपने मन से स्वतंत्र रूप से विषय भोग करता है, स्वाधीन होकर के भोग करता है, विषयों से आकृष्ट होकर या इंद्रियों के वशीभूत होकर के वो नहीं कर रहा है। तो उससे पहले वाले से ये थोड़ी ऊंची स्थिति होगी, इंद्रिय लोलुपता नहीं है। तीसरे पक्ष में स्थिति और अच्छी हुई और उसमें भोग जो है सुख दुख शून्य होता है, इंद्रियों के वश में होकर के प्राणी जो है वो बिल्कुल ही नहीं रहता। और चौथे पक्ष में एकमात्र जैगीषव्य का प्रमाण देते हुए प्रस्तुत किया कि परमावश्यकता तो यह है कि इंद्रियां चित्त के आकार को धारण कर लें और इंद्रियों का जो विषय है वो उनका ज्ञान ही ना रहे। अप्रतिपत्ति, अप्रतिपत्ति शब्द डाला है, अप्रतिपत्ति रहे जैगीषव्य, इंद्रिय के जो विषय हैं उनकी अप्रतिपत्ति, उनका अबोध स्थिति रहे, उनका हमें बोध ना हो। अप्रतिपत्ति का अर्थ होता है भोगाभाव, प्रतिपत्ति भोग की स्थिति, भोगाभाव विषयों का भोग ही ना करना। ततश्च परमावश्यकता, ये इंद्रिय वश्यता जो है इसको कहा है ये परमा इंद्रिय वश्यता है। इन तीन इंद्रिय वश्यताओं की अपेक्षा परमा माने उत्कृष्ट है ये। चित्त निरोधे इंद्रियाणि निरुद्धानि, चित्त के निरोध होने पर प्रत्याहार के फलस्वरूप ये इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं। चित्त निरोधे इंद्रियाणि निरुद्धानि, ये प्रत्याहार के इंद्रिय जय का वैशिष्ट बतलाया। और आखिरी में कहा कि योगी लोग इसमें इतर इंद्रिय जयवत, अन्य इंद्रिय जय के समान, जैसे कि पहले आपको ध्यान हो वैराग्य की साधना करते समय यह बताया था चार प्रकार का वैराग्य होता है, यतमान वैराग्य का एक रूप होता है, यतमान दूसरा रूप होता है, यतमान और बताया यतमान एकेंद्रिय वशीकार, चौथे को वशीकार कहा है। तो ये कहना चाहते हैं कि यतमान संजक जो वैराग्य में इंद्रिय जय के लिए हम यत्न करते हैं, तो अलग से किया जाने वाला जो प्रयत्न है उसकी अपेक्षा नहीं होती है। जब हमारी इंद्रियां चित्त के अनुसार चित्त के स्वरूप को धारण कर लेती हैं, तो उसके
यतमान संज्ञा में जैसे एकेंद्रिय जयपि इंद्रियांतर जयाय प्रयत्नांतरम अपेक्षते, यहां पर यह बात है समझने की। यतमान संज्ञा में हम कोशिश कर रहे होते हैं, यतमान का मतलब होता है हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यतमान संज्ञायाम एकेंद्रिय जयपि, इंद्रियांतर जयाय प्रयत्नांतरम अपेक्षन्ते, प्रयत्नांतरम अपेक्षन्ते, आगे कहते हैं न चैवम चित्त निरोधे न चैवम चित्त निरोधे बाह्येन्द्रिय निरोधाय बाह्येन्द्रिय निरोधाय प्रयत्नांतर अपेक्षा, यहां पर ये एक महत्वपूर्ण वचन एक विद्वान का लिखा हुआ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि जब हम इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए जब ये आगे कदम बढ़ाते हैं तो यहाँ से शुरू होती है यतमान संज्ञक, चार संज्ञाएं हैं वैराग्य की, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार, चार संज्ञाएं हैं वैराग्य की, चार संज्ञाएं हैं यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा एकेंद्रिय संज्ञा वशीकार संज्ञा, संज्ञा सबके साथ जुड़ रहा है। यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेंद्रिय संज्ञा और वशीकार संज्ञा आप लिख सकते हो, यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेंद्रिय संज्ञा, वशीकार संज्ञा, ये चार संज्ञाएं हैं। इन चार संज्ञाओं में ये जब हम अपने इस योग मार्ग में चलना आरंभ करते हैं तो यहां यतमान से आरंभ करते हैं, यतमान संज्ञायम एकेंद्रिय जयपि इंद्रियांतर जयाय प्रयत्नांतरम अपेक्षन्ते। एक इंद्रिय को जीत लिया हमने, हमने कहा कि मैं अपनी आंख को रूप से बचा करके रखूंगा या मैं अपनी जिह्वा को रस से बचा करके रखूंगा, या कई लोगों को जब जिह्वा की बात आती है तो बड़े उनको एकदम से इस विषय में थोड़ा सा वो लगता है, अगर इस बारे में बड़ी चर्चा होती है। तो यतमान संज्ञायाम एकेंद्रिय जयपि, यतमान संज्ञा में एक इंद्रिय को जय करने पर भी दूसरी इंद्रिय को जीतने के लिए फिर दूसरा प्रयत्न लगाना पड़ता है, तीसरी इंद्रिय को जीतने के लिए फिर तीसरा प्रयत्न लगाना पड़ता है, चौथी इंद्रिय को जीतने के लिए चौथा प्रयत्न, पांचवी इंद्रिय को जीतने के लिए पांचवा प्रयत्न, ऐसा वहां पर बताया है। तो यतमान अवस्था में, व्यतिरेक अवस्था में तो आदमी फिर ये देखता है कि इतने तो विषय मेरे काबू में आ गए और इतने बच रहे हैं,
और एक इंद्रिय में होता है कि उसका मन का जो उत्सुकता है, इंद्रियां उसको विचलित नहीं करती, केवल मन में जो उसका रस है वो पूरा खत्म नहीं हुआ है, मन में जो रस है वो अभी बचा हुआ है। ये एक इंद्रिय संज्ञा वैराग्य है। वशीकार संज्ञा वैराग्य यहां एक प्रकार का ये प्रत्याहार ही है। उस वैराग्य में थोड़ा और व्यापकता है। ये पांच इंद्रिय विषयों के साथ जोड़ करके बताया, मन का भी विषय होते हैं, जैसे सत्ता, संपत्ति, सम्मान, ये मन के विषय हैं। चार विषय प्रमुख हैं, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, ये तो मन के साथ जुड़े हैं, और ये पांच इंद्रियों के विषय जो मनुष्य को खींचते रहते हैं। तो यहां पर ये बताया कि यतमान संज्ञा अवस्था में एक इंद्रिय को जीतने पर भी दूसरी इंद्रिय को जीतने के लिए हमें अन्य प्रयत्न की आवश्यकता होती है। नचैवम ऐसा यहां चित्त निरोध होने पर, चित्त को निरुद्ध कर दिया, बाह्य इंद्रिय निरोध है, फिर हमारी जो बाहर की इंद्रियां हैं पांचों, इनको रोकने के लिए दूसरे किसी अन्य प्रयत्न की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती, ऐसे समझाया। तो यहां ये शब्द जो है थोड़ा सा समझने में एक बार फिर थोड़ा सा मन लगाइए। नेतर इंद्रिय जैवत, यहां एक शब्द पड़ा है न इतर, इसका पदच्छेद करके लिख रहा हूं, न इतर इंद्रिय जैवत। अन्य इंद्रिय को जीतने के समान, इतर इंद्रिय जय के समान हमारे को प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। प्रयत्न कृतम उपायांतरम न अपेक्षते परमात्म वश्यता या चित्त निरोधे निरुद्धानी इंद्रियाणी न इतर इंद्रिय जयवत। इतर इंद्रिय जय के समान दूसरी इंद्रिय को जीतने के लिए दूसरा प्रयत्न। अब हमने एक इंद्रिय को जीतने के लिए कुछ कोशिश की, तो दूसरी इंद्रिय के जीतने के लिए फिर दूसरा प्रयत्न हमको करना पड़ता है। इतर इंद्रिय जयवत, जैसे पहले वाली इंद्रिय को जीता था तद्वत, ये उपमा दी है। पहले वाली इंद्रियों को जीतते समय जैसे मुझे जोर लगाना पड़ा, वैसे ही दूसरी इंद्रिय को जीतने के लिए फिर प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसा यहां अलग अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता, चित्त के निरोध होने पर इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं, ये समझाया। न इतर इंद्रिय जैवत प्रयत्न कृतम, प्रयत्न के आधार पर जो उपायांतर होते हैं, प्रयत्न कृतम उपायांतर, प्रत्याहार संपन्न योगी जन प्रयत्न जन्य अन्य उपाय की अपेक्षा नहीं रखता है। तो ये योग के जो पांच अंग हैं। हाँ जी, ये गुरु जी पूछ रहे हैं इंद्रिय जीत बनने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, कृपया विस्तार से समझाइए। इंद्रिय जय बनने के लिए यही कहा है ना, इंद्रिय जय बनने के लिए 54 और 54 वाले सूत्र में, 54 नंबर सूत्र में उपाय बताया है। 54 नंबर सूत्र में यह कहा है स्व विषय असंप्रयोगे, इंद्रियों का अपने विषय के साथ संबंध न होने पर इंद्रियां चित्त के स्वरूप के आकार को धारण किए रहे, बस इसका नाम है प्रत्याहार। और यही परमावश्यता है। परमावश्यता क्या है, इंद्रियों की परमावश्यता क्या है, कि चित्त के निरोध होने पर इंद्रियां निरुद्ध हो गई और अलग से कोई वो उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता जीतने के लिए। चित्त निरोध के साथ यही कारगर उपाय है कि चित्त निरोध के साथ इंद्रियां हमारी जो हैं वो निरुद्ध रहती हैं। चित्त निरोध की बात कही है यहां पर, देखिए चित्त एकाग्र्याद अप्रतिपत्ति जयगी सव्या, चित्त की एकाग्रता के कारण इंद्रियों के विषय का जो अबोध है, ज्ञान न होना है, ये यहां पर मूलतः कहा गया है। परमातु यम वश्यता, क्या चित्त निरोधे निरुद्धानी इंद्रियाणी, चित्त के निरोध होने पर इंद्रियां निरुद्ध हो गई। न इतर इंद्रिय जैवत, एक एक इंद्रिय को जीतने के लिए जैसे पहले प्रयत्न किया जाता था वैसा अब
शुरू शुरू में तो करता ही आदमी, एक एक इंद्रिय को जीतने के लिए जब तक ये युक्ति नहीं आती कि ये इंद्रिय चित्त निरोध कैसे होता है और कैसे कैसे इसको हम वश में करें, तो तब तक आदमी एक एक इंद्रियों को रोकने के लिए प्रयत्न करता है, अपने आप को एक एक इंद्रिय के विषय से बचाता है, हटाता है, उस आलंबन से अपने आप को हटाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि चित्त निरोध में सारी इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं और अलग से एक एक इंद्रिय के जीतने के लिए जैसे प्रयत्न करना पड़ता था, हमारा पहले समय की उदाहरण दे रहे हैं, पहले समय जब हम इस स्थिति में नहीं आए तो उससे पहले जैसे हमें एक एक इंद्रिय को जीतने के लिए अलग अलग प्रयत्न जुटाना पड़ता था, ऐसे प्रयत्न कृतम उपायांतरम नापेक्षते, ये जो उपाय है ये अन्य प्रयत्न की अपेक्षा नहीं करता है, इससे ही सारा काम बन जाता है। अगला हम चला रहे हैं उक्तानी पंच बहिरंगाणी साधनानी, बहिरंग साधन पांच जो है वो कह दिए गए। योग के आठ अंगों में से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये जो पांच अंग हैं इसको बहिरंग साधन कह रहे हैं। एक अंतरंग साधन होते हैं योग के लिए, धारणा ध्यान समाधि, ये अंतरंग साधन है और ये पांच बहिरंग साधन है। बहिरंग का मतलब है थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा मतलब बाहर से ये मदद करते हैं। बहिरंग और अंतरंग शब्द व्याकरण में भी बहुत चलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ये जो समाधि होती है ये भी बहिरंग है असंप्रज्ञात समाधि के लिए। अभी ये धारणा ध्यान समाधि के द्वारा संप्रज्ञात समाधि के स्वरूप को बताएंगे, उसके बाद उसको भी बहिरंग बता देंगे निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात समाधि के लिए। तो देश बंधस चित्त से धारणा, चित्त का सात्विक वृत्ति को, चित्त की जो सात्विक वृत्ति है किसी बाहरी या भीतरी देश में लगाना स्थापित करना को धारणा कहते हैं। देश बंध चित्त से, चित्त का देश बंध, देश में बंध, देश का बंध या देश में बंध, तो कह रहे हैं देश में बांधना, पंचसप्तमी तत्पुरुष समास। चित्त देश, बाह्य देश और आंतरिक देश, दो प्रकार के देश होते हैं, जैसे भ्रिकुटी में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि प्रदेश में, हृदय में, रीढ़ की हड्डी में, या जहां मूर्धा स्थान होता है, हमारा जो सहस्रार होता है, चोटी जहां होती है उस देश में। तो देश बंधा, देश में बांधना, बंध का अर्थ है यहां पर बांधना, चित्त का देश में बांधना, इसको धारणा कहते हैं। देश बंधा चित्त से धारणा। हाँ जी गुरु जी, ये जिज्ञासा है कि मन के विषय सत्ता संपत्ति पद शक्ति ये भी वशीकार से हट जाती हैं? निश्चित रूप से, वशीकार संज्ञा वैराग्य जब होता है तब तो निश्चित रूप से सब कुछ हट जाता है। मन के, मन को जो बाधित करती रहती हैं, सत्ता खींचती रहती है, सम्मान खींचता रहता है, सत्ता सम्मान संपत्ति खींचती रहती है, और विषय जो लौकिक विषय जो हैं, इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध खींचते रहते हैं, तो वशीकार संज्ञक जो वैराग्य है वो कहाँ से आता है? वहाँ पर ये लिखा है विषय दोष दर्शिना चित्तस्य, जिस चित्त ने विषय के दोष देख लिए, विषय के दोषों को जो देख पा रहा है निरंतर। हम एक एक समय तो विषय के दोष को देखते हैं और एक एक समय विषय के गुण को देखते हैं, गुण का मतलब उसके, उससे मिलने वाला जो लाभ है उसको देखते हैं, और दोष का मतलब उससे मिलने वाली हानि को देखते हैं। तो ये दोहरा काम चलता है, एक एक समय विषय से मिलने वाला दोष दिखाई देता है, एक एक समय विषय से मिलने वाला जो लाभ है, गुण है, सुख है, वो दिखाई देता है। तो ये दोनों दिखते रहते हैं, तो
तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमेशा हम विषय के दोष को देखते रहते हैं, अभी जो पूछ रहे थे इंद्रियों को जय के लिए क्या उपाय है, वो भी ये बात कही जाएगी कि इंद्रियों से जो हमें मिलता है उससे यदि हमारे को उसमें कुछ दोष दिखाई दे कि इससे मेरा ज्ञान समाप्त होता है, इससे मेरी आसक्ति बढ़ती है और ये साइकिल जो है अंतहीन बन जाता है, मानी इसके लिए कभी भी ये अंत नहीं आता है, अंतहीन चक्र है ये, कभी भी इसके लिए बस नहीं होने वाली कि अब बस हो गया है, अनंत काल तक भी इन इंद्रियों के विषयों को हम भोगते रहें, अनंत काल, थोड़ी बात नहीं कह रहा हूं, एक से एक हमको विषय मिलते रहें, अनंत काल तक भोगते रहें, तब भी कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि ये इंद्रियां यूं कह देंगी, बल्कि और ज्यादा एक्सपर्ट होती जाती हैं, और ज्यादा कुशलता बढ़ती जाती है, डिमांड और ज्यादा बढ़ती जाती है और सुपीरियर भोग की मांग करती हैं। पहले वाला जो है, पहले वाला जो भोग है वो छोटा पड़ता जाता है और ज्यादा मांग करती जाती हैं। तो हम एक समय तो हमें विषय का सुख दिखाई देता है और एक समय दुख दिखाई देता है। ये संसार का पूरा चित्रण मैंने आपके सामने रखा है, चित्त का चित्रण है ये, समस्त मनुष्यों के साथ पास जो एक एक चित्त है, मन है, उसका चित्रण है ये। एक समय किसी भी चीज को दुख के रूप में देखता है, दूसरे समय उसी को सुखदायक समझता है, ये प्रॉब्लम है। तो ये कहा विषय दोष दर्शिना चित्तस्य, ऐसा चित्त जो विषय को दोष को देख रहा है, और अनाभोगात्मिका दिव्या दिव्य विषय संप्रयोगे, उस सूत्र की व्याख्या पढ़ रहा हूं मैं, जबानी बोल रहा हूं, दिव्या दिव्य विषय संप्रयोगे, दिव्य और अदिव्य विषय के उपस्थित होने पर, उसका संयोग होने पर, विषय दोष दर्शिना चित्तस्य अनाभोगात्मिका, उससे बिल्कुल अछूता रहे, आभोग होता है उसमें डूब जाना, अनाभोग उससे एकदम अलूफ रहना, हेयोपादे शून्य, ना तो उसको भागने की जरूरत पड़ती है ना उसको भोगने की जरूरत पड़ती है, तटस्थ भाव से उसको देखता रहता है, हेयोपादे शून्य जो स्थिति है उसको वशीकार संजय वैराग्य कहा है। तो ऐसी स्थिति जब हमें हमारी प्राप्त हो जाए कि हम हमेशा उसके दोष को देखते रहें, जो लोग कुछ कुछ विषयों में तो हमारे को होता है, एक कोई मांसाहारी मांस खाता है और वो काफी टेस्टी होता है, मांस जिह्वा के लिए काफी टेस्टी होता है, बताते हैं मांसाहारी लोग बताते हैं कि मांस छोड़ने में सबसे बाधक जो है जिह्वा का जो टेस्ट है वो नहीं छूट पाता है, लेकिन जब उसको ठीक से समझ लेते हैं कि मैं कितनी हत्या करता हूँ, मेरे कारण से कितने लोग जानवरों का जीवन जाता है, मैं भी उसमें एक निमित्त बनता हूँ, योगिक आध्यात्मिक दृष्टि से देखूँ तो उससे पशुओं की जो जड़ चेतना है वो मेरे अंदर जाती है, ऐसे जब उसके विरोध में सोचता है तो उसका चित्त जो है वहां से उपरत हो जाता है और वो आकर्षण खत्म हो जाता है, बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है उसकी। कितना भी मीठा जहर जिसमें कितना भी टेस्टी हो, कितना भी, पर उसमें आपको ये पता है कि थोड़ा सा इसमें विष मिला हुआ है तो आपकी प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन इन विषयों के सुख में इतनी कुशलता से विधाता ने उस जहर को मिलाया है कि आदमी उसको पकड़ नहीं पाता कि ये तेरे को, ये तेरे मौत का हार बनने जा रहा है, और उसको निरंतर उसको पीता रहता है, उस जहर को निरंतर पीता रहता है और समझता रहता है कि ये जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे ये काम, अभी जो है अभी तो हमारा समय है खेलने कूदने का, इस सब का काम का, ऐसा हम सोचते रहते हैं। तो विषय दोष दिव्या दिव्य विषय संप्रयोगे भी, दिव्य और अदिव्य विषय, दिव्य माने जिनको आपने केवल सुना है आज तक देखा नहीं है, जिनके बारे में सुना है कि ऐसे ऐसे विषय होते हैं, कुछ देखे भी हैं आपने,
तो उन सब तमाम विषयों में विषय का जो दोष है वो आपको दिख गया है। विषय दोषदर्शी जो चित्त है उसकी ऐसी स्थिति अनाभोग स्थिति हो गई है, उससे एकदम आप उससे बिल्कुल सहज भाव से अलग रहने लग गए। हे उपादेय शून्य स्थिति आ गई। ये स्थिति और उपादेय स्थिति दोनों स्थितियां हमको बताती हैं कि हमारा चित्त में लगाव है उसके प्रति। यदि हमें किसी चीज से अलग होना वो भी आवश्यक है, यदि हमारी प्रारंभिक स्थिति वैसी नहीं है तो इसका लिए ये नहीं कहा जाता है कि अपना सिर उसमें जा करके फंसाई दो। यदि हमारे को किसी विषय के संपर्क से और हमारे अंदर चंचलता आती है, हमारा प्राचीन अभ्यास जागृत होता है, पुराना अभ्यास जागृत होता है, मन हिलता है, चंचल हो उठता है, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको जबरदस्ती ऐसे अभ्यास करने ही हैं और तभी सफलता मिलेगी। हमको अपने मन को वहाँ से हटाना ही पड़ता है, हटाना ही चाहिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब तक हमारे को इस तरह से हमारे को इसके लिए हे और उपादेय बुद्धि, मानी एक हम हटने की इच्छा करते हैं या उसको पकड़ने की इच्छा करते हैं। पकड़ने की इच्छा को तो आप समझ रहे हैं, पकड़ने की इच्छा करते हैं तो उसमें तो आसक्ति आप समझ रहे हैं, लेकिन भागना भी कमजोरी की निशानी है। हम जब अलग होना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, तो इसका भी मतलब है कोई कितनी भी सुंदर रूपवती किसी की बहन हो, माजाई बहन, तो उसके तो मन में ही नहीं आता है कि किसी महिला के साथ मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो दोनों ही कमरे में अपने बैठे हुए हों। पर आप समझ सकते हैं कि माजाई बहन के साथ हमारी स्थिति कैसी होती है, क्योंकि युग युगों से हमारी चेतना में वो बैठ गया है। युग युगों से, बाल्यकाल से वो हमारी चेतना में बैठ गया है कि ये रिश्ता तो अत्यंत पवित्र है, इसमें तो दूसरा मन में ही नहीं आएगा। तो ऐसी इसको कहते हैं हे उपादेय शून्य स्थिति, इसको कहते हैं हे और उपादेय, इन दोनों से अलग हो गया है, वो अनाभोग स्थिति है ये उसकी। तो इसके लिए यहां पर वशीकार नाम दिया है इस स्थिति के लिए। तो ऐसी स्थिति आने पर उसको कोई भी विषय कैसे खींच सकता है। लेकिन विषय दोषदर्शी कहा, यह शब्द जो है मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, विषय दोषदर्शी। विषय दोषदर्शी का अर्थ ये नहीं है कि भाई रात को विषय का दोष दिख रहा है और सुबह जो है उसका गुण दिख रहा है, या सुबह दोष दिख रहा है रात को गुण दिख रहा है। ऐसा दिन में 10 बार भी तो आदमी का मन नहीं बदल जाता है क्या? अनेक बार उसका मन परिवर्तित होता रहता है। तो ये विषय दोष ही दिखे तब उसको वशीकार संजय वैराग्य कहा है। देश बंधस चित्तस्य धारणा में कहा, नाभि चक्र में, हृदय पुंडरीक में, मूर्धा में, मूर्धनी ज्योतिषी, एक शब्द है ये मूर्धनी ज्योतिषी, मूर्धा मूर्धनी ज्योतिषी, शीर्ष जो हमारा मूर्धा में जो ज्योति है उसमें, नासिकाग्रे नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, इत्येवम् आदिषु देशेषु, इन देशों में बाह्यवा विषय या किसी बाह्य विषय में, जैसे हमने कोई एक फूल रख लिया सामने, कुछ लोग दीपक जला कर रखते हैं, कोई एक बिंदु सामने लगा लिया, ऐसे मान लीजिए ऐसे बिंदु लगा दिया, ऐसे विशेषण विशेष हो जाएंगे ना, मूर्धा में जो ज्योति है, प्रकाश है, उसको मूर्धनी ज्योतिषी कह रहे हैं। सप्तमी का एक वचन है मूर्धनी, और ज्योतिषी भी सप्तमी का एक वचन, मूर्धा इसको बोलते हैं। ये जो सिर का हिस्सा है जिसको हम, ये काला काला हिस्सा दिख रहा है, इसको मूर्धा कहते हैं। और एक बात देखी, हमारे गुरुजी ने भी एक वाक्य लिखा है कि मूर्धा में जब हम ध्यान करते हैं तो विषय गायब हो जाता है, संसार गायब हो जाता है। और मैंने प्रयोग करके देखा कि याद करने से भी नहीं आता। यदि मूर्धा में हैं, हम मूर्धा में हैं, तो याद करके देखते हैं
कोई विषय को याद करके देखते हैं तो याद करने से भी नहीं आता है, उसको लाना चाहते वो आता नहीं है, वहां से नीचे उतरना पड़ता है। मूर्धा में रहते हुए कोई विषय जो है आप चाहेंगे तो भी आप ला नहीं सकते हैं, केवल आपको थोड़ा सा। इसलिए शेरविन ने कहा है कि यहां ध्यान करना, यहां पर ध्यान करने की बात उन्होंने कही है। तो मूर्धनी ज्योतिषी नासिका अग्रे जिह्वाग्रे बाह्य वा विषय चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंधा, ये वृत्ति मात्र बंध क्या है? चित्त का वृत्ति मात्र से बांधना, सात्विक वृत्ति से जो बांधना है। मूर्धनी ज्योतिषी वहां किसी गुण के साथ ध्यान करें या नहीं? केवल वो तो अब केवल आप निसंकल्प होकर के भी ध्यान कर सकते हैं मूर्ध ज्योति में, और आप भगवान को भी स्मरण कर सकते हैं जैसे तज्जपस तदर्थ भावनम आदि करते हैं, उस प्रक्रिया से भी कर सकते हैं। नाम तो इसलिए आलंबन लेना पड़ता है क्योंकि हम बिना नाम के हमारा चित्त अभी उस स्थिति में नहीं है, इसलिए नाम का आलंबन लेते हैं। एक साधक वहाँ संकल्प रहित होता है तो फिर ये जो ब्रह्म यज्ञ आदि विधान किया है ये छूट जाते हैं, तो उसका दोष है या नहीं है? नहीं, वो तो स्थिति के अनुसार, जो हमारी चित्त की उतनी यदि स्थिति नहीं है तो ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है। एक बिना मंत्र पाठ के एकाग्र रहना चाहता है, बहुत अच्छा उसे एकाग्रता मिलती है और संतुष्टि होती है, लेकिन इसमें समय लगाता नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? वो तो वो जो है हमारी स्थिति के आधार पर, हम कहाँ हमारी मांग है क्या हमारी, यानी दोनों ही हो सकते हैं? दोनों ही हो सकते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, मूर्धनी ज्योतिषी एक ही शब्द है बस। नाभि चक्र में हम अपने चित्त को वृत्ति मात्र से बांध रहे हैं, और हृदय पुंडरीक में, हृदय कमल में, पुंडरीक कहते कमल को, हृदय कमल में, और मूर्ध ज्योति में, नासिकाग्र में, यहाँ हृदय में आने के बाद भी आप देखेंगे हृदय में यदि एकाग्रता बनाए तो भी हमारे विषय गायब हो जाते हैं। इसलिए दो स्थान बताते हैं शेरविंद आश्रम में, तो बहुत बार बार ये बात कहते हैं शेरविंद, या तो हृदय में ध्यान करो या मूर्धा में ध्यान करो, ऐसे बताते हैं। हो सकता है, पर यहां मेरे को ऐसा लग रहा है कि मूर्धा में ऐसा भी हो सकता है कि मूर्धा में ये जब कोमा दिया होगा, मूर्धनी ज्योतिषी अर्थात ज्योति में ध्यान, लेकिन यहां पर वे आभ्यंतर विषय गिना रहे हैं। सारे विषय जो है ना आभ्यंतर विषय, आभ्यंतर विषय होते हैं शरीर के अंदर, तो नाभि चक्र में, हृदय पुंडरीक में, मूर्धा में, और फिर ये ज्योति कहां, कौन सी ज्योति? शायद मुद्रण दोष हो रहा है वहां पर। मूर्धनी ज्योतिषी एक ही शब्द है। नासिका अग्रे, नासिका के अग्र, जिह्वाग्र, ये बाह्य देश, ये आंतरिक देश हैं, और इसी तरह से बाह्य देश में चित्त का वृत्ति मात्र से, ज्ञान मात्र से, वृत्ति होती है ज्ञानात्मक चित्त का व्यापार, जैसे मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, ये चित्त का जो व्यापार है इसको वृत्ति मात्र से बांधना कहा जाता है। मैं मूर्धा को जान रहा हूं, तो इस तरह से ये पहला सूत्र होता है। शेष चर्चा हम ध्यान धारणा की आगे कल करेंगे, अब यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के पांच सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति। त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर। प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति। केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवन प्राश। तो आज ही पतंजलि के इन पांच सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियां, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। Hey!
मैं कौन, मेरा कौन,